पुष्कर में 5 दुकानों में लगी भीषण आग, 4 दमकलें बुझाने में जुटी रही, लाखों का हुआ नुकसान। पुष्कर के मारवाड़ चुंगी नाके के सामने स्थित मिठाई की दुकान और बेकरी सहित 5 दुकानों में शनिवार रात करीब 9 बजे आग लग गई। आग से लाखों रुपए कीमती का सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि करीब 1 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। मारवाड़ चुंगी नाके के पास केशव नगर निवासी सत्यनारायण कुमावत की चाय नाश्ते, रघुनाथ की हलवाई की तथा श्याम खोरवाल की जूस की दुकानें हैं। रात करीब 9 बजे सबसे पहले मिठाई की दुकान में आग लगी, जिसने भीषण रूप अख्तियार करते हुए पास ही स्थित बाकी की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लॉकडाउन के कारण दुकान में शटर बंद थे, जिन्हें खोलने में समय लग गया। वहीं आग लगने के दौरान दुकान के अंदर गैस सिलेंडर होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद युवकों ने 5 गैस सिलेंडर बाहर निकाल लिए। मौके पर पुष्कर नगर पालिका की दमकल वाहन पहुंची, लेकिन आग बढ़ती देख अजमेर नगर निगम से 2 दमकल वाहन तथा पुष्कर से 4 पानी के टैंकर मंगवाए गए। जानकारी मिलने पर मौके पर उपखंड अधिकारी देविका तोमर, नगर पालिका की ईओ अभिषेक गहलोत, सीओ ग्रामीण विनोद कुमार, थाना अधिकारी राजेश मीणा, तहसीलदार पंकज बड़गुजर सहित नगर पालिका मौके पर पहुंच गए। देर रात आग पर काबू पाया जा सका। मैम, क्या घटनाक्रम हुआ है, अभी किस तरह से काबू किया जा रहा है पूरे? आज करीबन 9 बजे 3 दुकानों में आग की खबर पाई मिली। उसके लिए अग्निशमन जो नगर पालिका का है वो तुरंत पहुंचाया गया और मौके पर प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम ने उस पर काबू पाया और विद इन 15-20 मिनट्स अजमेर से भी 2 अग्निशमन आ गए और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होने दी और पूरी तरह से इसका मौका मुआयना कर लिया गया है और पूरी आग को काबू पा लिया गया। मैडम, क्या प्रथम दृष्टया क्या कारण सामने आए हैं आपके हिसाब से? अभी इस पर जाँच कर रहे हैं, अभी तक कोई इस तरह से कारण समझ नहीं आया है उसको, क्योंकि अभी अंधेरा है, समझ नहीं आ रहा है, परंतु इसके लिए जांच की। जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है, क्या उन्हें कोई आगे रिलीफ दी जाएगी कि नहीं, संभावना? एक मौका पर्चा बना करके रिपोर्ट और प्रॉपर नुकसान जो हुआ है उसको हम आगे भेज देंगे सुमन जिला कलेक्टर महोदय को, इसी हिसाब से। 9 बजे सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस प्रशासन, पुलिस मित्र, सभी जो आसपास के सहयोग हैं, सारे मीडियाकर्मी वगैरह सभी ने पूरा सहयोग देते हुए आग पे काबू पा लिया है। मशक्कत तो करनी पड़ी, लेकिन आग पे काबू पा लिया। क्या था मामला और कैसे आग पे काबू पाया गया? सर, हमारे पास अपने कंट्रोल रूम से फोन आया था कि पुष्कर नगर अपने थाने का आगे मंडी के चौराहे के देवनगर गलती चौराहे पर आग लग गई थी। जिससे सूचना मिलते ही हम तुरंत गाड़ी नंबर 413 लेके मौके पर पहुंचे और गाड़ी नंबर 207 और पीछे से रवाना की गई। फिर हम आए यहाँ पे, 1 घंटा से आग पे काबू पाया है। आग बहुत बड़ी थी, भयानक थी और पुष्कर की गाड़ी पहले से ही काम कर रही थी। कितनी दुकानों पे आग लगी सर? ये दुकानें तो 4-5 दुकानें थी सर जो पूरी तरह जल चुकी है। काबू में पाया गया। अभी शाम को जैसी सूचना मिली कि यहाँ चौकी चौकी स्थित दुकानों पर आग लगी है, सारे पुलिस मित्र तुरंत मौके पर पहुँचे और हर संभव तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। अभी वर्तमान में आग पूरी तरह से बुझ चुकी है और स्थिति पूरी काबू में है। कितनी दुकानों में आग लगी थी और किन-किन का सहयोग रहा? करीब 4-5 दुकानों में आग लगी है और इसमें अपने स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ में सारे पुलिस मित्र और अग्नि जो अपने पुष्कर की जो फायर ब्रिगेड टीम है, नगर पालिका की जो टीम है, उनके सहयोग से काम हो पाया।